हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईटीआई 247 पर। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग की एक सीरीज को लेकर आए हैं, जिसमें हम 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये मेरा पहला पार्ट है रीजनिंग का। इसका एक पार्ट मैं और लाऊंगा, उसमें भी मैं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ये जो 20 में क्वेश्चंस लाऊंगा, ये 20 क्वेश्चंस हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सभी प्रश्नों का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। जितने भी 20 प्रश्न मैं डिस्कस करूंगा, उनका मैं ट्रिक बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीकों से आपको समझाऊंगा। इसमें जो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में जो समझाऊंगा, या 9 या 10 जो है, उसका मैं सबसे शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको। बिना पेन उठाए ही आप कैसे दिमाग से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत लोग उसको फॉर्मूला याद करते हैं, रटते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन के अपने स्क्रीन पर। और अगर आपने ये सारे रीजनिंग के प्रश्न देख लिए, तो आपका जो भी परीक्षा है, आप सीटीआई की परीक्षा जो देने जा रहे हैं, वो समझ जाइए कि आपके सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। देखिए, इसका मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। जब भी ऐसी सीरीज आए, आपको क्या पहले निकालना है? अंतर निकालना है। आप उसको देखो, अगर पहचान पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अंतर निकालो। जैसे कई लोग इस क्वेश्चन को देखने के बाद यहाँ पर पहचान लिए होंगे कि ये 36 है, ये 49 है, ये 81 है, ये 100 है, ये 121 है, 144 है, तो ये 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, और ये आपका 9 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, और ये 12 का वर्ग है। सब क्रम से है, तो ये 6 7, तो यहाँ पे 8 का वर्ग आएगा, तो 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो कई लोग इसको पहचान लिए होंगे, 64 इसका आंसर आ गया। लेकिन मान लीजिए कि कोई नहीं पहचान पा रहा है, सबसे पहला काम आपको ये करना है, अंतर निकालना है। तो आप अंतर निकालो, देखो अंतर कितना आ रहा है, 36 में से 49 घटा दो या 49 में से 36 घटा दो, आपका अंतर निकल जाएगा 13। भाई 36 में 13 जोड़ोगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कोई संख्या है, फिर इसका मुझे इसका भी अंतर निकालना होगा, लेकिन अभी संख्या प्राप्त नहीं हुई तो आप ऐसे करके छोड़ दो। फिर यहाँ का यहाँ अंतर भी निकालना होगा, फिर यहाँ से यहाँ का अंतर निकाल दो, निकाल सकते हो। 81 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 81 में 9 जोड़ दो, 90, और 10 100, यानी 19। यहाँ पे अंतर क्या जाएगा? 19। यहाँ पे अंतर कितना आ जाएगा? 21, ठीक है। और भाई 100 में से 21 आपका जो जाएगा, 121 में से 100 जो जाएगा आपका, तो 21 बन जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ का अंतर निकालो, कितना आ जाएगा आपका? देखो 21 में से 121 में से आप 144 को घटा दो, 144 में से 121 को घटा दो, अंतर निकालना है बस आपको। तो अंतर जब निकालेंगे तो आपका आएगा 23। भाई 121 में 23 जोड़ दो, 144 आ गया। आपने जैसे अंतर निकाला तो आपको एक सीरीज मिल गई। देखो यहाँ पे 23 के बाद 21 आ गया, 2 घट गया, 21 में 19, 2 घट गया, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? 17 आएगा। भाई 2 घटा दो ना, देखो ना सब में 2-2 घट रहे हैं, तो यहाँ पे 17 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका? 15। देखो फिर ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया, यहाँ पे 13 आ गया। अब यहाँ पे 15 कब आएगा? जब इसमें 15 जोड़ दो, 49 में 15 जोड़ दो, ठीक है। तो 49 में 15 जोड़ोगे कितना आएगा आपका? 49 में 10 जोड़ दो तो 59, और 5 64, तो यहाँ पे जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई? 64। अब मैं तरीके बता रहा हूँ, अगर आप पहली नजर में संख्या को देख के भाप जा रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप अंतर निकालो, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ऐसा प्रश्न मैंने आपको एक और वीडियो में मैंने बता दिया था, इसलिए मैंने आपको बताया अंतर वाला कॉन्सेप्ट। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं कैसा है। देखिए ये भी आप देख रहे हो, दूसरा प्रश्न देख रहे हो आप, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 3 4 5 6 8 क्वेश्चन मार्क, 16 और 12, इसमें आपको जो मिसिंग नंबर है, लुप्त संख्या बोलते हैं मिसिंग नंबर को, वो बताना है, मतलब यहाँ वाला संख्या। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? अंतर निकालोगे। तो अंतर देखो यहाँ पे कितना आ रहा है? 1। आप अंतर निकालते जाओ, यहाँ पे कितना आ रहा है अंतर? 1। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 2। यहाँ पे कितना आ रहा है? 2। यहाँ वाला अंतर आपको नहीं पता, यहाँ वाला अंतर आपको नहीं पता, यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? 4। भाई 16 में से 12 गया, 12 में से 16, 12 में से 16 घटाओगे तो -4, और 16 में से 12 घटाओगे तो 4,
लेकिन आपको संतरा बिकना है तो चार। कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है आपको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पैटर्न नहीं मिल रहा है। एक एक अगर आपके क्वेश्चंस आ जाए जिसमें आपको कोई पैटर्न न मिले तो आप एक छोड़ के देखना, एक छोड़ के, एक छोड़ का मतलब, छोड़ के मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये वाला एक अंक छोड़ यहाँ पे जाना ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, आपको पक्का पैटर्न मिल जाएगा। फिर दूसरे नंबर का एक ऐसे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा जरूर, एक ऐसे फिर ऐसे। यहां पर ध्यान दो यहां पे अंतर कितना आ रहा है, दो का आ रहा है ये, देखो दो का आ रहा है ठीक है, और यहां पे अंतर कितना आ रहा है, चार का आ रहा है, देखो चार का आ रहा है, और यहां पे अंतर कितना आ रहा है, आठ और सोलह का, तो यहां पे आठ। तो क्या पैटर्न मिल रहा है, देखो पैटर्न मिल रहा है, दो दोनों चार दोनों आठ ठीक है, मतलब हम दो का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। यहां पे देखो तीन, तीन अंतर आ रहा है, यहां पे आपको नहीं पता और यहां पे आपको नहीं पता। तो आप यहां पर ध्यान दो कि अगर आपने यहां पे तीन और तीन छह, और आप देखो अब ऑप्शन देखोगे यहां पे, अगर आपने यहां पे नौ फीड कर दिया, अगर मान लीजिए आपने नौ फीड कर दिया तो यहां पे क्या आएगा, छह में से नौ जाएगा, आपका अंतर कितना आएगा तीन, और यहां पे अंतर कितना आएगा तीन। ये एक पैटर्न मिल रहा है, सब में अंतर क्या आ रहा है, तीन तीन तीन, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है ठीक है। दस करोगे तो दस, तो यहां पे अगर दस करते हो तो यहां पे अंतर कितना आएगा चार, और यहां कितना आ जाएगा दो, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे बारह करोगे यहां पे, मान लीजिए बारह किया तो यहां पे तीन मिला और यहां पे छह मिला और यहां पे जीरो मिलेगा, भाई बारह में बारह जाएगा जीरो, ये भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है तेरह भी, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा नौ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने जो बताया आपको कि एक छोड़ के आपको देखना है, एक ऐसे ही एरो बना देना एग्जाम में, आपके प्रश्न पे ऐसे ही एरो बना दीजिएगा जिसमें मैंने बनाया है यहाँ पे, और अंतर देख लीजिएगा ठीक है, आपको पता चल जाएगा ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी थोड़ा सा वैसा ही प्रश्न है, आपको देखना है कि इसमें कौन सा गलत संख्या है। अब इसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा अंतर निकालना है। देखो भैया मैं देख रहा हूं यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे दस और चौदह का चार। आप मेरे सभी प्रश्नों को समझ लो पहले, और समझ के इसी वीडियो को दो तीन बार देख लेना, आप एग्जाम में जाओगे तो आपको हुबहू ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और आप मेरे मेरे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे कि हाँ सर ने ऐसे किया था, हमको भी ऐसे ही करना है, आप तुरंत सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। यहाँ पे अंतर कितना है, चौदह में से बीस या बीस में से चौदह का छह, यहाँ पे कितना है पांच का, चलिए मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे पांच का अंतर है, यहाँ पे कितना का अंतर है छह का, और यहाँ पे अंतर कितना है पच्चीस और बत्तीस सात का, भाई पच्चीस में से पांच, पच्चीस पांच तीस और दो बत्तीस, और यहां पे कितना अंतर है आठ का। तो ठीक है, अब आपको देखिए आपको यहां पे देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या इसमें से है जो गलत है, और आपको उसको फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए कभी भी ऐसी संख्या जब आपको मिलेंगी तो आप अंतर निकालना और पीछे चलना। यहाँ पे देखो आठ है तो ये सात हो गया है, ये सात है तो ये छह होना चाहिए था यहाँ पे, तो अगर इसको छह करते हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे छह अंतर छह का यहाँ पर आएगा, जब यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी उन्नीस, अगर बीस की जगह उन्नीस होता तो हमारी संख्या कितनी आती है यहाँ पे, भाई देखो अंतर कितना आता हमारे यहाँ पे छह, उन्नीस और छह पच्चीस, अब यहाँ पे चौदह और उन्नीस में से घटाओ कितना बचेगा पांच, आ गया सीरीज में, देखो अंतर आ गया चार पांच छह सात आठ, क्रम से चल रहा है, मतलब यहाँ पे जो संख्या गलत संख्या है बीस है, बीस को गलत दिया गया है, बीस की जगह उन्नीस होना चाहिए था। आप ऐसे एडजस्ट करोगे, आप कैसे पाओगे इन सब चीजों को अंतर निकालने के बाद, बात आ रही समझ में, अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देख लेना इस क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कभी भी अगर आपको ऐसे प्रश्न आए जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि इस श्रृंखला में अगला अक्षर कौन होगा, ए बी सी डी वाले क्वेश्चन आ गए, लेटर वाले क्वेश्चन आ गए, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको ए बी सी डी आनी चाहिए, ए बी सी डी में गलती ना हो, ए बी सी डी ई एफ जे सबको याद हो, ये तो ऐसा था नहीं किसी को याद नहीं, अगर आपको नहीं याद है तो अपने उस एग्जाम हॉल में अपने वर्क पे लिख लीजिएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि एल के बाद क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए।
आई के बाद क्या आएगा, तो मन में पढ़ लो स्टेल में, क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर है बी ई एफ आई जे एम एन क्यू, अगला अक्षर क्या होगा, अगला जो लेटर है कॉम्बिनेशन वो क्या आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ही पैटर्न फॉलो करेगा। देखिए यहाँ पे ई के बाद क्या आ रहा है, एफ, ई के बाद एफ ही आता है। यहाँ पे आई के बाद क्या आ रहा है, जे, जे के बाद यही आता है, आई के बाद यही आता है। एम के बाद क्या आता है, एन, एम एन एन ही आता है। क्यू के बाद क्या आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे दो लेटर होंगे, एक पहला एक दूसरा, तो क्यू के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे आर आएगा भाई, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, क्यू के बाद आर। अब यहाँ पे दूसरा अक्षर लिखना है आपको, यहाँ पे दूसरा, अब देखिए यहाँ पे बी के बाद यहाँ इन्होंने ई लिख दिया है, तो बी के बाद क्या आता है, बी सी डी ई, सी डी बीच में छोड़ा है और ई लिख दिया है। एफ के बाद एफ, और देखो आप पढ़ो, आप थोड़ा सा उसके पीछे का पढ़ना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जी एच यानी दो इसमें भी छोड़ा है, और आई जे के एल एम, के एल इसमें भी छोड़ा है, और इसमें भी दो आपका छोड़ा गया, तो यहां भी दो छोड़ा जाएगा, पी क्यू आर एस टी छोड़ा जाएगा, और यहां पे यू आ जाएगा, एस टी छोड़ा जाएगा और यू आ जाएगा, तो यहां पे आपका बी ऑप्शन सही आ जाएगा। तो बिना पेन और कॉपी उठाए आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप एबीसीडी पूरा लिख लो, 26 अक्षर होते हैं एबीसीडी में, उसको लिख के आप पता कर लो कि किसके बाद क्या आ रहा है, और यहाँ पे एडजस्ट कर दो। ये सबसे समझिए कि इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा आपके, उत्तर प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट की बात कर लें, परीक्षा की बात कर लें, या अगर आप सीबीआई का परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इससे टफ आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, दिशा और दूरी के प्रश्न जो आते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है करने का, चलिए देखते हैं। जब भी आपको दिशा वाले क्वेश्चन आए कि कोई व्यक्ति है यहाँ से चलता है, 5 किलोमीटर जाता है पूर्व, फिर 3 किलोमीटर घूम जाता है, फिर बाएं जाता है, फिर दाएं जाता है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक डायग्राम बनाना है दिशा वाला, डायरेक्शन का एक आप ऐसे खींच दीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, ऊपर का जो ये होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ, उत्तर, और उत्तर का अपोजिट क्या होता है, साउथ, इसको बोलेंगे साउथ। ये होता है हमारा ईस्ट, पूर्व, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्व, ठीक है। और ये हमारा वेस्ट पश्चिम, ठीक है, ये हमारा वेस्ट पश्चिम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ध्यान समझिए। क्वेश्चन को जब भी आप शुरू करेंगे तो आप यहाँ से कुछ भी होगा आप यहीं से शुरू करोगे, ये जीरो, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, यही इसकी प्रारंभिक बिंदु होगा, यहीं से शुरू करेगा। जैसे अर्जुन अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है और 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाकर, तो पहले 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलाओ, फिर यहाँ से चलना शुरू किया, ये 5 किलोमीटर मान लीजिए यहां तक आया, ये दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर, ठीक है। और जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो ऐसे, तो आप मान लेना कि आप चल रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं हूं तो चल रहा हूं, अब मैं ऐसे चलूंगा तो मेरा बायां हाथ ये है और दायां हाथ ये है, ठीक है। तो मेरा बायां हाथ किधर को होगा, उत्तर की ओर होगा, और दायां हाथ किधर को होगा, दक्षिण को होगा, और मेरा मुख किधर की होगा, पूर्व की ओर होगा, तभी तो मैं पूर्व की ओर चलूंगा, और पीठ किधर होगा, पश्चिम की ओर होगा, ठीक है। तो आप अपने आप को अज्यूम कर लेना कि आप अर्जुन की जगह खुद चल रहे हो, फिर क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब देखो 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाकर वह अपने दाएं मुड़ता है, अब जब इधर को जा रहा है तो इधर को चेहरा है इधर, तो अब दाएं किधर मुड़ेगा, ये तो उसका बायां हो जाएगा इधर, तो दाएं इधर मुड़ेगा, ये दूरी, तो मान लीजिए यहाँ इधर चला और 3 किलोमीटर चला, तो यहाँ पर आकर किधर चला, 3 किलोमीटर, यहाँ ये दूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। अब कहा जा रहा है कि अपने 3 किलोमीटर चला, यहाँ तक हो गया ये वाला, फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद क्या करता है, बाएं मुड़ जाता है और फिर 3 किलोमीटर चलता है। अब वो बाएं मुड़ेगा, अब आप ध्यान दो, इसका चेहरा जो है वो इधर को है, इधर को, ठीक है। आप अपने आप को इधर को खड़े होकर देख लेना, अच्छा मान लीजिए अगर मेरा चेहरा ऊपर क्यों रहता और मान लीजिए ऐसे सीधे में देख रहा हूँ, तो मेरा बायां ये होता, तो इधर वाला बायां होता, इधर वाला बायां होता, लेकिन ये चूंकि चेहरा इसका इधर है, तो बायां किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, तो ये कितना चला, फिर से 3 चला, ठीक है। अब मेरा चेहरा इधर को है, अब मेरा चेहरा इधर को कहा जा रहा है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, फिर बायां मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, कहा जा रहा है फिर बायां मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो मेरा चेहरा अगर इधर को है तो मेरा बायां कौन सा होगा, इधर को होगा, तो ये मेरा बायां हो गया इधर का, ठीक है।
है, आप खुद को खड़े कर दो वहां पे और एज्यूम करो आपका बाया हाथ कौन है और दाया हाथ कौन है, आप सॉल्व कर दोगे। अब फिर 3 किलोमीटर चलता है तो यहाँ पर आएगा, वही बिल्कुल लाइन पर आएगा, क्यों, क्योंकि ये दूरी कितनी है 3 ही है, तो ये भी दूरी कितनी होगी 3 ही होगी, ठीक है। अब ये इसका क्या हो गया, कहा जा रहा है अब आगे कि अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, इसका मुख किधर को होगा, यहाँ पर आया है तो उत्तर की तरफ मुख है, वो खड़ा है वहां पर, ठीक है। अब ये इसका अंतिम बिंदु हो गया ये वाला, और इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, ये दूरी पूछा जा रहा है। अब मुझे बताइए यहां से यहाँ कितना है आपका 5, यहां से यहाँ कितना है, ये 3 है ना, ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 5 और 3 8, तो ये दूरी हो जाएगी आपकी 8 किलोमीटर। भाई ये नीचे वाला 3 है इतनी दूरी, तो ये भी कितनी है 3 ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिशा और दूरी हम सॉल्व करते हैं तो हम मानते हैं 90 अंश पे वो मुड़ता है इंसान, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। राजू अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर से वैसे बनाएंगे हम डायग्राम, देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर नॉर्थ, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा साउथ, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, इसको अगर हम लोग ईस्ट बोलते हैं तो ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 8 किलोमीटर उत्तर जाता है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने इसकी दूरी को प्रारंभ किया, यहाँ से चलाया इसको, तो यहाँ पे मान लीजिए 8 किलोमीटर है, तो ये हो गया हमारा 8 किलोमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है कि फिर 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में, अब पूर्व कौन सा है भैया, अब इसमें दाया बाया नहीं कह रहा है, पूर्व कह रहा है, तो पूर्व इधर को पड़ता है, तो सीधे हम क्या करेंगे पूर्व यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर, ये हो गया आपका 6 किलोमीटर, ये आपका 6 किलोमीटर हो गया, ठीक। फिर 16 किलोमीटर दक्षिण में, अब देखो यहाँ पे दाया बाया नहीं कह रहा, दक्षिण नीचे है तो नीचे आप 16 किलोमीटर, अब यहाँ से यहाँ चलेगा तो कितना दूरी चलेगा 8, भाई देखो वो 8 था ही, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, अब उसको 8 और चलना है तो 8 नीचे और आएगा तो यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो ये जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ ये इसका अंतिम बिंदु है, अब कहा जाए कि वो अपने घर से कितने किलोमीटर दूर था। जब भी दूरी पूछी जाए तो आप प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दो, तो देखो स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा से, ये प्रारंभिक बिंदु था और ये अंतिम बिंदु है, ये मिला दिया हमने इसको, यही दूरी पूछी जा रही, मान लीजिए दूरी एक्स है, मान लीजिए दूरी क्या है एक्स है, अब आपको देखा ये कितना है 90 90, ठीक है 90 डिग्री का है, एंगल बनाता है, ये दूरी कितनी थी 8, पूरी दूरी चला था यहाँ से लेके आया था 16, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे 8 ये भी हो जाएगी, भाई 8 और 8 मिले तभी तो 16 होंगे, ठीक है। ये दूरी 6 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगी, अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, भाई पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ये 90 अंश के सामने का जो भुजा होता है कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर क्या होता है हमारा इज इक्वल टू हमारा आधार का बेस का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस आपका ये क्या है आपका परपेंडिकुलर मतलब लंब 8 का स्क्वायर, सॉल्व कर दो इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पेन ज्यादा उठाइए मत, आप लोग ज्यादा आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन कीजिए, 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो 36 यहाँ लिख दो, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 और 36 कितना होता है 100, भाई 64 में 6 जोड़ दो 70 और 30 100, तो यहाँ पे आ गया 100, ठीक है। अब पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक्स जब उधर ले जाओगे स्क्वायर को तो इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 10 10 आएगा, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी 10। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिर से वीडियो देख लेना, 2-3 बार देख लेना, और ये सबसे टफ क्वेश्चन है दिशा और दूरी का, इससे टफ नहीं आता। अब देखिए एक क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं इसको। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है और कुछ दूर बाद वह दाईं ओर मुड़कर चलना शुरू करता है। अब देखिए मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ यहाँ पे, इससे अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ये नॉर्थ हो गया, तो ये नॉर्थ लिखो, ये हमारा हो गया साउथ, ठीक है, ये हो गया हमारा पश्चिम, और ये हो गया हमारा पूरब, ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, और वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। तो कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, तो अब उसका घर में प्रारंभिक बिंदु यही मानूंगा, भाई यहीं से शुरू कर रहा हूं, तो अब उत्तर चलता है तो इधर हो जाएगा, ठीक, और कुछ दूर बाद वह दाईं ओर मुड़कर चलना शुरू करता है। अब मान लीजिए यहां तक आया, ठीक है, कुछ दूर बाद, अब दूरी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, आप समझिए यहाँ पे दूरी जब नहीं दे रहा तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, दिशा पूछेगा बस।
तो यहाँ पे चलता है, यहाँ पर आया मान लीजिए, कुछ दूर बाद वो दाएं ओर मुड़ता है, दाया दाया कौन सा होगा, आप इधर आप सीधे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, सीधे लाइन चल रहे हो, आपका दाया कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, इधर को होगा, इधर को होगा, ये वाला दाया भाई, ये वाला मुंह आपका इधर है, तो आप अपना दाया ये हो गया, दाएं ओर अब ऐसे हो गया चेहरा आपका, दाएं ओर मुंह पर चलना शुरू करता है, फिर अपने दाएं ओर मुंह पर चलता है, अब फिर क्या करता है, दाएं ओर मुड़ता है, अगर ऐसा चेहरा है आपका तो दाया कौन सा होगा, इधर को होगा, तो नीचे को होगा दाया, फिर दाएं ओर मुंह पर चलता है, यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन, देखिए, और कुछ दूर बाद अपने बाएं ओर मुड़ जाता है, कुछ दूर बाद अपने बाएं ओर मुड़ जाता है, चेहरा आप किधर है, नीचे की ओर है, तो जब नीचे की ओर होगा तो हमारा सीधा जब चेहरा होता है तो बाया मेरा इधर को होता है, तो जब नीचे की ओर तो बाया मेरा उल्टा हो जाएगा, तो बाया मेरा ये हो जाएगा, ठीक है, और कुछ दूर बाद अपने बाएं ओर मुड़ जाता है, अब वो किस दिशा में जा रहा है, अब आप देख लो किस दिशा में जा रहा है, वो पूरब दिशा में जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दूरी नहीं पूछता, इसमें इधर उधर आपको घुमा देगा और पूछेगा कि अब वो किस दिशा में उसका चेहरा है, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको लाइन पर चलना है, अगर आप सीधे चल रहे हो तो आपका बायां ये होगा, दायां ये होगा, और अगर आप उल्टा चल रहे हो, नीचे की दूसरे तरफ चल रहे हो, इधर नीचे की तरफ चल रहे हो, तो आपका बायां क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दायां क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका सही जवाब आएगा। जैसे देखिए, यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो यह बताओ कि मेरी पीठ किस दिशा में है। अब ये अगर आप इस चीज को समझ लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये डायग्राम बनाया हमने, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, और ये हो गया हमारा ईस्ट पूरब, और ये हो गया हमारा पश्चिम, यही होता है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, किधर की तरफ दायां हाथ है, उत्तर की तरफ, तो अब देखो जब उत्तर की तरफ दायां हाथ है तो ऐसे होगा, देखो ऊपर ऐसे, तो दायां हाथ मेरा इधर होगा, देखो भैया कहा जा रहा है दायां हाथ मेरा किधर है, इधर है, उत्तर की तरफ है, तो बायां किधर होगा भैया, बायां किधर होगा हमारा, दक्षिण की तरफ, तो मेरा अब मैं हाथ फैला के खड़ा हूं तो मैं किधर, मेरा मुंह किधर होगा भाई, मेरा बायां हाथ, मेरा दायां हाथ उत्तर की ओर और बायां इधर को होगा, तो मेरा मुंह किधर को होगा, इधर को होगा, इधर को होगा, ठीक है, तो जब चेहरा इधर को है, जब चेहरा इधर को है तो पीठ किधर को होगा, पूरब की ओर होगा। अच्छा मान लीजिए कोई कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा चेहरा इधर को, मान लीजिए, तो देखो आप चेहरा इधर कर दोगे, तो देखो चेहरा इधर कर दोगे तो आपका बायां हाथ किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा, लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि दायां हाथ क्या है उत्तर की ओर, तो दायां हाथ उत्तर एक ही कंडीशन में होगा जब आप ऐसे खड़े रहोगे, जब आपका चेहरा पश्चिम की ओर होगा तब उसी एकमात्र कंडीशन में आपका जो दायां हाथ होगा उत्तर की ओर होगा, तो आपका मुख जो है उत्तर की ओर है, तो पीठ किधर की ओर होगा, पूर्व की ओर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पूर्व। आप थोड़ा सा विजुलाइज करो, आप लाइन पे खड़े हो जाओ, लाइन पे खड़े होकर आप देखो एक ही कंडीशन बनेगा जिसमें आपका मुख क्या होगा, चेहरा जो होगा आपका पश्चिम की ओर होगा, तभी आपका हाथ क्या होगा, उत्तर की ओर होगा, दायां हाथ, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और यदि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने जो मेरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ आप सीख गए, तो आपको कॉपी पेन और फार्मूले की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न पढ़िए, एक चिड़िया घर में कबूतर और बिल्ली है, ठीक है, और ये अलग अलग प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि सिरो को गिना जाए, सिरो मतलब हेड, भाई जानवर है कबूतर है, तो उसका हेड अगर सिरो को गिना जाए तो 150 है, और यदि टांगों को गिना जाए तो 460 है, तो कबूतरों की संख्या कितनी है। देखिए कोई भी जानवर हो, अब इसमें जानवर चेंज कर देता है, कभी बोलेगा गाय, बिल्ली की जगह गाय दे देगा, बिल्ली की जगह कुत्ता दे देगा, कबूतर की जगह कुछ और तोता दे देगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये समझिए, यहाँ पर दो प्रकार के जानवर देता है, एक प्रकार के जानवर जिनके दो पैर होते हैं और एक प्रकार के जानवर जिनके चार पैर होते हैं, ठीक है, जैसे कबूतर के दो पैर होते हैं और बिल्ली के चार पैर होते हैं, ठीक है। जानवर कैसा भी दे, सबका सिर कितना होता है, एक ही होता है, बात आई समझ में, कोई भी ऐसा जानवर नहीं है इस दुनिया में जिसके दो सिर होते हैं, ठीक है, तो एक ही, चाहे पक्षी दे चाहे जानवर दे, एक ही सिर होगा। तो आपको इस प्रश्न, देखिए मैं पेन और कॉपी कुछ नहीं उठा रहा हूं, आपको सीधे सिर्फ दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप मान लेंगे कि जितने भी जानवर हैं, ठीक है, उनके क्या है, दो पैर है, ठीक है, मानना है बस आपको, भाई कबूतर और बिल्ली है,
तो उनके एक एक सिर होंगे, तो सिरों को गिना जा रहा है तो कितने हो रहे हैं 150। तो ये तो तय हो गया कि कबूतर और बिल्ली मिला के कितने हैं 150, क्योंकि सबके एक एक सिर होंगे, तो ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 150। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे 150 क्या हो गया जानवर। कबूतर के तो दो पैर होते हैं, हमने कह दिया बिल्ली के भी दो पैर हैं, हमने कह दिया बिल्ली के भी दो पैर हैं, बिल्ली के मान लो दो पैर हैं, बिल्ली के दो पैर काट दो, मान लो आपने दो पैर काट लिए, दो अब हो गए दो पैर। अगर कबूतर के भी दो पैर बिल्ली के भी दो पैर दोनों मिला के कितने हो गए 150, जानवर तो है 150। अब दोनों सारे जानवरों के दो दो पैर हैं तो कितने पैर हो जाएंगे 150 के हिसाब से, 150 जानवर गुणे दो कर दो 300 पैर हो जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है पैर कितने हैं, टांग कितने हैं 460, मैं कह रहा हूँ 300, क्वेश्चन कह रहा है 460, तो ये अंतर क्यों आ रहा है? अंतर इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने बिल्ली के दो पैर काट दिए हैं। तो कितने का अंतर आ रहा है 300 और 460 में, कितने का अंतर आ रहा है 160 का। ये वही पैर है 160 जो आपने बिल्ली के हटाए हैं। तो भाई अब 160 पैर हटाए हैं तो कितने बिल्लियों में से हटाए होंगे, दो से भाग देते हो ना भाई, दो दो पैर हटाए हैं सब, एक एक बिल्ली से दो दो पैर हटाए हैं, तो 80 बिल्लियां हैं। बात आ रही समझ में, यानी टोटल बिल्ली कितनी हो गई 80, 150 में 80 बिल्ली, तो कबूतर कितने 70, कबूतरों की संख्या कितनी 70, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 70। फिर से मैं समझा रहा हूँ, आप समझिए इस चीज को, हम मानेंगे सबके दो दो पैर हैं, अगर सबके दो दो पैर होंगे 150 जानवर हैं तो 300 पैर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 460 पैर दिखा रहा है, यानी 160 पैर जो एक्स्ट्रा दिखा रहा है वो किसके हैं, बिल्ली के, जो हमने हटाए हैं। अब बिल्ली के मैंने 160 पैर हटाए हैं तो भाई दो दो पैर तो हटाए हैं, तो एक बिल्ली से दो पैर हटाए हैं, 160 पैर हटाए टोटल, तो 80 बिल्लियों से हटाए होंगे, तो 80 बिल्ली हो गई। अब अगर जानवर कुल जानवरों में 80 बिल्ली हैं तो कबूतर कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल जानवर 150 हैं। तो बिना पेन और फार्मूला के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जब भी आएगा ऐसे ही करिएगा, आपको पैर काट देना है, ये याद रखिएगा, पैर काटना है, जिनके चार पैर उनको काट दो, दो और फिर बाद में आप कैलकुलेशन कर दो और जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको दो से भाग दे दो, उतने जानवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न, दो तीन बार देख लो, अभ्यास करोगे, अब ऐसे प्रश्न आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे, ये अभ्यास कर लेना आप इस प्रश्न को, ठीक है, आप पाओगे कि आप सफल हैं। ये लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है यदि 5 + 6 क्या है 61 है, तो 3 और 5 कितने होंगे, 3 + 5 कितने होंगे। अगर 5 और 6 भाई 11 होते हैं, ये क्या 61 है, ये 61 कैसे लाया है, तो ये रीजनिंग लगाया है इसमें, कुछ दिमाग लगाया है। अब इन्होंने क्या दिमाग लगाया है, इसका वर्ग कर दिया है, ठीक है, और इसका भी वर्ग कर दिया है, या तो वर्ग किया हो या तो घन किया होगा, देख लीजिएगा यहाँ पे वर्ग किया है, तो यहाँ पे 5 का वर्ग कितना होगा 25, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, और 36 और 25 को जोड़ दो कितना हो जाता है, भाई 6 + 11 और 3 2 5 6 61, यानी वर्ग जो भी संख्या लिखा है उसका वर्ग करके जोड़ दिया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा वर्ग करके जोड़ दो, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, ठीक है, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5 का वर्ग कर दो, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 25, तो 25 और 9 कितने हो जाएंगे 25 और 9 34, देखो 25 में 10 जोड़ दो 35 आएगा, एक घटा दो 34, ऐसे भी किया जाता है कभी कभी, चीजें ऐसे जोड़ के घटाओ और जल्दी कैलकुलेशन करो, इससे कैलकुलेशन क्या होता है फास्ट होता है, बात है समझ में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा सीरीज पसंद आया होगा, ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपको, तो आप इन क्वेश्चनों को एक दो बार और देख लें, समझ लें, अपने कॉपी में नोट कर लें, बार बार उनको देखें, समझें उसको, अपने दिमाग में उसको उतार लें। ऐसे ही प्रश्न हो आपको परीक्षाओं में मिलेंगे, आपका समय खर्च नहीं होगा, जैसे ही आप प्रश्न देखेंगे आप कहेंगे अरे ये तो मेरा देखा हुआ प्रश्न है, ये तो मैं करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, इसके सेकेंड पार्ट के साथ, और वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण, उसमें क्वेश्चन का संकलन मैंने दिया है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच। ITI247 like and subscribe.